देखा तुमने, उस घुघुटी ने किस तरह अपने दोस्त की मदद की, और तुम हो कि मुझे परेशान करने के अलावा कुछ नहीं करते हो। ये बिल्कुल सच नहीं है बाल्टी बॉय। मैं तुम्हें परेशान करने के अलावा भी बहुत से काम करता हूँ। जैसे? जैसे एक्सरसाइज एक्सरसाइज और एक्सरसाइज। मैं दिखाता हूँ तुम्हें। क्रेश बंदरों की तरह बस उछल कूद करना बंद करो और नीचे आओ। उछल कूद नहीं, इसे एक्सरसाइज कहते हैं ट्रेश। तुम्हें भी करनी चाहिए, और आजकल थोड़ी आलसी हो गई हो तुम। क्या कहा? मैं आलसी हूँ? अगर तुम्हें दिख नहीं रहा तो इस वक्त भी मैं काम कर रही हूँ और तुम बकवास। मेरे पूछ। अरे वाह, ये तो मधुबनी पेंटिंग है ना? बिल्कुल सही पहचाना बाल्टी बॉय। जानते हो सबसे पहले ये मधुबनी पेंटिंग्स कब बनी थी? मुझे पता है, ऐसा माना जाता है जब राजा जनक अपनी बेटी सीता का विवाह भगवान राम से करने जा रहे थे, तो पूरे मिथिल राज्य को मधुबनी चित्रों से ही सजाया गया था। लगता है कृष की अकल उसकी पूंछ में है, चोट लगते ही दिमाग चलने लगा। पता है पुराने समय में मधुबनी चित्रकला सिर्फ औरतें किया करती थी, लेकिन आज इतनी लोकप्रिय हो गई है कि देश विदेश से कई पेंटर्स इसे सीखने के लिए भारत आते हैं। मधुबनी के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनकर तो मेरा कहानी सुनने का मन कर रहा है। तो देर किस बात की? वैसे हमारी आज की कहानी में एक बंदर भी है, और उसकी सिचुएशन भी बिल्कुल अपने कृष की सिचुएशन जैसी है। शुरू करते हैं। जंगल का जिंदगी जो कौनो एंटरटेनमेंट ही नहीं है। अरे एक अकेला बंदर कब तक बंदर की तरह पेड़ की टहनियों से लटक सकेला? ये कौन है? बिल्लो रानी, वो भी हमरा घर का नीचे। चलो देखते हैं। लगाई नहीं, पहले से ही चिल्ला रहे हो हैं? पर ई लगाना जरूरी है का? अगर तुमको जल्दी ठीक नहीं होना है तो कोनू बात नहीं। आज जरूरी काहे नहीं है? एक आदमी के मूंछ और बंदर के अपनी पूंछ कितनी प्यारी होत है ई तुम नहीं समझोगी। उस ससुरी बिल्ली के तो हम नहीं छोड़। चलो चलो जाने दो। अरे जब्बो भैया, अरे ये का हुई गवा? हाँ तुम्हारी सूंड को। अरे इधर तो आओ, जरा देखे तो का हुई गवा? का करत हो? ये एक लंबी कहानी है। एक मिनट है, अब सुनाइए तनिक। वो का है कि हम जंगल ओलंपिक्स के लिए जिम्नास्टिक्स का फुलटो प्रैक्टिस करत रहा। हाँ, 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 हाँ,
ए चंबुवा, तनिक जरा कुछ तूफानी करके दिखाओ ना, अपनी सूंडवा से हमें तो उठाओ। अच्छा अच्छा, तो ई वजह रही जो तुमरी सूंड। अरे नहीं रे, हम कहे ना एक कहानी तनिक लंबी है, अभी चुपचाप बैठिए, डिस्टर्ब नहीं कीजिए। चंबुवा, हमको अभी तनिक उठाओ ना। ले लोट गई भैंस पानी में। अरे ऐसा डबल स्टंटवा करोगे तो। आ बंदरवा, तुम्हारी कहानी है का? सुनाओ सुनाओ। नहीं वो, तुम ही सुनाओ। चलो हम तो यूं ही कह रहे हैं ना कि कहानी लंबी है, फिर भी बीच में चवन्नी अठन्नी दिए जा रहे हो है। अच्छा तो इका मतबल ई रहा कि चिंपू की वजह से जो है तुम्हारी सूट टूट गई। का मतलब? बचाओ! मतलब वो पत्थर तुम फेंक रहे? अभी दिखाते हैं, अभी दिखाते तुमका। अरे तुम ठहरो, बस ठहरो जरा। अरे भैया भोरी, अरे 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 मारी डाला। चीन इतना चिल्ला कह रही है? अरे ससुर का नाती भाग गया चूहा। जम्मा भैया, हमारी जो हालत है ना वो तुम्हारी वजह से हुई है बस। और हमरी चिंपू की वजह से। हाँ, और हमरी वो बिल्ली की वजह से। अगर वो बिल्ली पत्थर ना फेंकती तो ना हमें चोट लगती ना तुम दोनों को, समझे? ओ देखो, ओ रही वो डेंजर बिल्ली, चलो उका देखते। चुप्पी हाँ चुप्पी, आगड़ बागड़ जाई रे चूहे मामा, ओ मामा भाग बिल्ली आई रे। बिल्ली बोली म्याओ, काहे घबराओ। अरे अरे ईका, ईका ये लोग इधर ही आ रहे हैं, यानी कैट वहाँ पे अटैक हो। भाग लो बिल्लो रानी। अरे रे, देखिए हमका मार के कहाँ मिलेगा आप लोगन का, हाँ? बल्कि हमरे पास तो आपका तकलीफ दूर करे का एकदम लल्लन टॉप आइडिया है। हाँ, ये बिल्लो रानी का तनिक भरोसा मत करना, ये बिल्लियाँ कौनों की सगी नहीं होती है। हाँ, बात तो ठीक ही है पर अरे पर हमरा खोपड़िया में कोनो और आइडिया भी तो फिट नहीं हो रहा ना। जे हुई ना बात, अरे इसीलिए तो कहते हैं इंटेलिजेंसों में हाथी का कोनो साथी नहीं है। नहीं नहीं, और अब अपने गुस्से पे डालिए आइस और सुनिए हमारी एडवाइस। जंगल के पूर्व दिशा के आखिरी छोर पे मीठे तालाब के पास उगती है एक करामाती घास। वो घास की पत्ती को पीस के खाने से कोई भी चोट चुटकी में ठीक हो जाता है, वो भी एकदम फ्री। हाँ, पर जंगल के आखिरी छोर पे तो वो खूंखार शिकारी रहता है। हाँ, ए बदमाश बिल्ली, हमका मारने का प्लान बता रही है का? हाँ? अरे नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। अरे इतना बड़ा रिस्क हम कैसे ले सकते हैं? अरे भाई, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो भूखो मरेंगे का। और हमका तो 6 दर्जन केला लगता है मिल्क सेकवा में। अरे पर हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? हाँ, अरे हमरा तो पंख
पंक्चर हुई गवाह है और टाई टाई फीस। हाँ हाँ, और हमार पूछ भी। हाँ, लॉक कर दिया ना बुड़बक जैसा बात। अरे हमार सिर्फ सूंड ही टूटी है, पीठ नहीं। आपका चलने के लिए इनविटेशन देना पड़ेगा का? चलो बैठो। जान बची तो लाख हो पाए। जंबो भैया, तुम हमेशा ऐसा नहीं स्लो मोशन में चलते हो, या आज कौनो स्पेशल ओकेजन है? का मतलब? नहीं मतलब, इतनी देर में तो हम कूद फांद के दो चक्कर लगा चुके होते पूरे जंगल का। अच्छा ऐसा बात है, तो ई लो हम तुमको ऐसा चक्कर खिलाता हूँ कि जिंदगी भर चक्कर घिन्नी की तरह घूमते रह जाओगे, घूमते रह जाओगे। ई लो भैया। अरे 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 बुरी भैया, अरे क्या कर रहे हो तुम जंबो भैया? अरे हमरा पूरा स्ट्रक्चर वाह हिला दे तुम। अरे जंबो भैया, हम तो मजाक कर रहे थे। आप तो कॉमेडी में सीरियस हो गए। तोहार मजाक की वजह से है हम सबन की बैंड बजी है। अब दूसरी मुसीबत को इनविटेशन देने का कोनो जरूरत नहीं ना है। चुपचाप बैठे रहो शांति से। अरे हम तो बस। अरे अपनी बकर बकर जो है बंद कर दो, वरना कान के नीचे फुलवा बना देंगे अगली बार। अरे जंबो भैया चलिए, अब बहुत ही दूर जाना है हम सबन का। हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, मिलेगी करम दिखा एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास। हमारा मतलब है चूहा। कहाँ? अरे यहाँ से थोड़ी दूर पर। अरे हमें तो ना साफ साफ दिखाई दे रहा है। अरे क्या कर दिए बुड़बक? अरे हमारा खाना भगाई दिए। हट हट, उतरो उतरो। एक तो टोल फ्री सवारी कर रहे हो, ऊपर से हम ही को बुड़बक बोल रहे हो। अरे अरे नहीं नहीं जब भैया, अरे हमरा ना वो बदबल ना ही था। नहीं तो का मतलब का है तुम्हारा? है ना जब भैया कि भूख से जो है हमारे पेट में चूहे लोग 20-20 खेल रहे हैं। चिल्वा तनिक जरा चील करो है। चलो जम्बो भैया, सूरज डूबने से पहले हमको करामाती घास को ढूंढना है। चलो टिकड़िक टिकड़िक टिकड़िक। हम अब और नहीं चल सकत, हम बहुत थक गया हूँ, हमको बहुत प्यास भी लगी है। वो मीठा तालाब अब दूर नहीं है। अरे हमका जो है साफ साफ दिखाई दे रहा है। अरे तुमका तो यहाँ से चांद भी दिखाई दे। जब इसका मतलब ही नहीं कि वो दूर नहीं है। अरे हाँ सच में दूर नहीं है भाई, हमका भी दिख रहा है। हम होंगे कामयाब एक दिन। वाह पानी। अरे अरे अब क्या हुआ जम्बो भैया? हम पानी नहीं पी सकत। ये पानी को खींचने के लिए हम अपने सुंडवा को स्ट्रॉ की तरह यूज करते थे भाई। और का? अरे तुम्हारी सुंडवा से जो है वो साउंड भी ठीक से नहीं आ रहा है। देखो माइक चेक 1-2-3। अरे शांत हो जाओ जंबो भैया, शांत हो जाओ। अब फूट फूट के रोने से प्रॉब्लम नहीं ना सॉल्व होगी। रुको
हमों कुछ जुगाड़ करता हूँ। लेट तो शिकारी लग रहा है भाई। अरे भागो, अरे जान बचा के भागो। बचाओ, बचाओ। मुझे पता है ट्रिश कि तुम जानबूझकर ऐसी टॉर्चर स्टोरी सुना रही हो। तुम्हें पता है ना मुझे ऐसी स्टोरीज पसंद नहीं है। ट्रिश आज तो कमाल हो गया, मेरी जगह क्रिश डर रहा है। वो कहते हैं ना बाल्टी बॉय, जब तक डंडा खुद के सर पर ना पड़े। सर नहीं, पूंछ पूंछ। हाँ, पूंछ पूंछ, पूंछ पर ना पड़े तब तक अकल ठिकाने नहीं आती। अब पता चला कि किसी को सताने की कितनी बड़ी सजा हो सकती है। लेकिन अगर दोस्तों के साथ मजाक नहीं करूं, तो किसके साथ करूं? अरे मजाक करना कोई बुरी बात नहीं है क्रिश, लेकिन हर चीज एक लिमिट में ही अच्छी लगती है। सिवाय कहानियों के, क्योंकि कहानी तो जितनी सुनी जाए उतनी कम है, क्यों? तो कहानी आगे बढ़ाएं। हेल्प! अरे कौनो हेल्प करो भाई। अरे भाई, चुंपू मुसीबत में है। अरे तुम्हें कैसे पता? अगर तुम्हारा आँखें तेज है तो हमार कान, हमका अभी अभी वहाँ से उसका आवाज सुनाई दिया है। चलो। ओहो, आ जावा है बंदर पेड़ के नीचे, आज न छोड़ेंगे तुझे टन टन टन। ओ मोरी मैया, अरे ये का, वो शिकारी तो चिंपू पर तीर चलाने वाला है। नहीं। अरे ईका, लगता है ये जानवर लोग पागल हो गया है। अरे भागो भैया, भागो। वो देखो कैसन भागा जा रहा है शिकारी। धन्यवाद दोस्तों, आज तुम दोनों की वजह से हम बाल बाल बच गए हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो ठीक है, पर तुम यहाँ कर का रहे थे? जुगाड़। सूरज जो है वो डूबने वाला है। अब हमें भी दिख रहा है। हाँ हाँ, तो वो करामती घास को ढूंढने के बारे में जो है क्या सोच रहे? हमको नहीं लगता हमें अब ऊ की जरूरत है। और ना ही हमें, हमरे इतने सालों का एक्सपीरियंस तो यही कहत है कि ऐसा कौन घाव नहीं जो दोस्तों के प्यार और बखत के साथ ठीक नहीं हो सका। वो तो ठीक है, पर वो तुम्हारे चूहन का का? अरे वो का है, अरे थोड़ा दिन बिल्लो रानी को भी तो एंजॉय करेगा दो है। आखिर हमरे बीच दोस्ती कराने के लिए उका भी तो इतना ट्रीट मिलेगा पड़ी है कि नहीं, बोलो। मैं तो पहले से ही जानता था कि कहानी का एंड अच्छा ही होगा, क्योंकि जब तक एंड अच्छा ना हो समझ लेना चाहिए कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त।